सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। किसान आंदोलन स्थगित होने का ऐलान हो गया है। एक साल से ज्यादा समय तक यानी 380 दिनों तक चला यह आंदोलन, अब स्थगित हो रहा है। और जो दिल्ली के बॉर्डर हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली मकान की शक्ल ले चुके थे, वो आप देख रहे हैं धीरे धीरे अब यहाँ से सामान को उठाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था साल भर रही है, समय लगेगा यहाँ से सारा सामान समेटने में, तो आप देख रहे हैं तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं। अब धीरे धीरे सामान को समेटा जा रहा है, जो ट्रैक्टर है उसको ट्रॉली के ऊपर से वो चढ़ा हुआ है और दूसरी तैयारियां चल रही हैं। लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये वापसी की तैयारी है, उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साल भर तक यहाँ सामान आता रहा, सर्दी गर्मी बरसात के हिसाब से व्यवस्थाएं होती रही, खाना पकाने के लिए स्थायी चूल्हे यहाँ पर बनते रहे, लेकिन अब धीरे धीरे वापसी की तैयारी और जो वापसी है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पैकिंग एक तरह से शुरू हो गई है, सामान उतारना शुरू हो गया है, सामान को एक तरह से लपेटा जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। जो यहाँ पर मकान बनाए गए थे वहाँ से भी धीरे धीरे अब सामान को इकट्ठा करने की कवायद शुरू हो गई है, यानी जो गद्दे हैं उन्हें समेटा जा रहा है, दूसरे सामान को समेटा जा रहा है। ये तैयारियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। जो तारों के कनेक्शन आप देख पा रहे होंगे, वो कनेक्शन भी अब धीरे धीरे उन्हें हटाया जा रहा है, क्योंकि परसों सुबह 9 बजे किसान यहां से कूच करेंगे, 11 तारीख की सुबह किसान यहां से कूच करेंगे, उससे पहले सामान को समेटने की बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर। और क्योंकि ये लंबा चौड़ा मोर्चा है, जगह जगह पर हम ऐसी तस्वीरें देख पा रहे हैं। ठक ठक की आवाज़ें सिंगू बॉर्डर पर फिर आने लगी हैं। एक साल पहले जब यहाँ पर मोर्चा शुरू हुआ था तो अपना सामान लाने के लिए, टीन शेड बनाने के लिए, उन्हें लगाने के लिए आवाज़ें आ रही थी, और अब उसे हटाने की तैयारियाँ जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जो यहाँ पर रहने के निवास स्थान बनाए गए थे अस्थाई, उनके बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लग चुके हैं, टीन टप्पर उखाड़े जा रहे हैं, सामान को खोला जा रहा है, तैयारी यहाँ पर चल रही है। हाँ जी, घर वापसी का समय आ गया? हाँ, घर वापसी का टाइम आ गया जी, जा रहे हैं। खुशी है? खुशी है। हाँ, इतना सामान इकट्ठा किया, उसमें बड़ी दिक्कत हुई होगी, अब ले जाना औखा है क्या? नहीं, औखा तो नहीं, जब जितनी खुशी होंगी आ फिर तो तुम कहो हौसला ही बहुत हो जाता, पर सरकार को दसदा साढ़े को सामान उकने रख लेना सी पैक करके, जा सू दोबारा MSP पे लड़ाई करनी पी, एकने दोबारा लद के फिर आ जाना उ। हाँ जी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सामान खुलना शुरू हो गया है, इस व्यवस्था को बनाना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे ये खुल रहे हैं टप्पर। अंदर भी आपको दिखाऊं, देखिए अंदर भी जो बिजली का जो काम था वो भी अब खोला जा रहा है धीरे धीरे। जो व्यवस्था यहाँ रहने की गई थी, अब धीरे धीरे जगह साफ़ हो रही है, फ्रिज हैं, कूलर हैं, इनकी तारें निकाल ली गई हैं, और पैकिंग जो है चल रही है। जी, पैकिंग चल रही है, एक खोल रहे हैं जी सामान, एक खोल सामान जाने के लिए खोल रहे हैं। टाइम आ गया वापसी का? टाइम आ गया जी वापसी का। तुसी कितना टाइम रहे थे इत्थे जी? सानू साल हो गया है, पूरा साल हो गया इत्थे, बारी बारी असीं आउने आ, हफ्ते बाद असीं आ जाने। हुण घर वाले उड़ीकदे? हाँ जी, घर वाले उड़ीकदे हैं, घर वाले उड़ीक रहे हैं जी। खुशी आ? हाँ जी, पूरी खुशी आ, पूरी खुशी आ जी। तो आप सुन रहे हैं, घर जाने की खुशी है, तैयारी जो है वो तेजी से दिखाई दे रही है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, सिंगू बॉर्डर।